नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो मर्क्यूरियस ग्रुप की, जिसे हम मर्क्यूरियस प्रोटोआयोडेटस के नाम से जानते हैं, आज देखेंगे इसका। बहुत छोटी दवाई है बट क्लिनिक में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, मैं काफ़ी इसका उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में जानें, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, कहाँ पर यूज़ होता है, ये आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मर्क्यूरियस प्रोटोआयोडेटस, जिसे हम कॉमन नेम है आयोडाइड ऑफ मर्करी, जिसका फार्मूला HG2I2 है, और जिसे दूसरे नाम से जाना था प्रोटोआयोडाइड ऑफ मर्क्यूरी भी बोला जाता है। किंगडम मिनरल है, MB थर्मल फैमिली थर्मल रिलेशन है, और जो इसका दूसरे नाम से जाना था वो मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस, मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो फिजिकल जनरल है उसमें फॉर हंटेरियन कैंक्रेस सेकेंडरी सिम्टम्स रेयरली फॉलो इफ गिवन इन प्रॉपर डोज, ग्रेट स्वेलिंग ऑफ इंग्वाइनल ग्लैंड्स, नो डिस्पोजिशंस टू सप्यूरेट। फॉर हंटेरियन कैंकरे, जो कि हार्ड होते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स रेयरली फॉलो, सेकेंडरी सिम्टम्स रेयरली फॉलो इफ गिवन इन प्रॉपर डोज। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में स्पेसिफिक सिम्टम्स दिए हैं, टंग को लेकर थिक येलो कोटिंग एट बेस, कालीबाइक्रोम गोल्डन, कालीबाइक्रोम में है थिक येलो कोटिंग एट बेस, और गोल्डन येलो कोटिंग एट बेस, गोल्डन येलो और थिक येलो, देखिए ध्यान रखिएगा, गोल्डन येलो अगर होगी तो नेट्रोफोज होगी, डर्टी और ग्रीनिश ग्रे कोटिंग अगर बेस पे होगी, डर्टी और ग्रीनिश ग्रे कोटिंग अगर बेस पे होगी तो नेट्रम सेल्फ हो गए। टिप एंड एज रेड, राइट साइड ऑफ थ्रोट एंड नेक मोस्ट अफेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। टंग कैसी है, थिक येलो कोटिंग है, कहाँ पे है, बेस पे है, और जो राइट साइड है, राइट साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइड ऑफ थ्रोट एंड नेक मोस्टली अफेक्टेड। अब राइट साइड की कोई से भी अगर कंप्लेंट है और थिक येलो कोटिंग एट बेस हमें मिल रही है तो हम मर्क आयोडेटस फ्लेवस के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम थ्रोट में आगे देखें तो डिप्थेराइटिक एंड थ्रोट अफेक्शन वेयर द सर्वाइकल एंड पेरोटिड ग्लैंड्स आर इनोमलसली स्वेलिंग। देखिए डिप्थीरिया हो या अदर थ्रोट कंप्लेंट्स हो, अगर यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड या सर्वाइकल ग्लैंड्स बढ़ी हुई हो या पेरोटिड ग्लैंड्स भी अगर बढ़ी हुई है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मेम्ब्रेन कहाँ से, मेम्ब्रेन बिगन्स ऑन और इज एग्रावेशन ऑन राइट साइड, एग्रावेशन बाई वार्म ड्रिंक्स एंड एम्पिटी स्वेलिंग, लेकिन इसकी तरह वार्म ड्रिंक्स है इसमें एग्रावेशन है। लैकिंग द टॉन्सिलाइटिस एग्रावेशन ऑन राइट टॉन्सिल्स, कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू स्वालो, ये डॉक्टर बोरिक ने अपने मेडिटा मेडिका में लिखा हुआ है, राइट साइड टॉन्सिलाइटिस विथ कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू स्वालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बहुत छोटी दवाई है और इसमें थ्रोट सिम्टम्स है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में बहुत फ्रिक्वेंटली इसका उपयोग करते हैं, स्पेशली राइट साइड टॉन्सिलाइटिस में। माउथ में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर दिए हैं वो टंग को लेके हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। येलो थिक येलो कोटिंग एट बेस, और फिजिकल जनरल में सेकेंडरी सिफिलिस को लेके या सिफिलिस को लेके जो सिम्टम्स हैं उसे भी हमें ध्यान में रखना है। और जो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है, जो पॉइंट है वो है मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस, इसे बोरिक ने मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस के नाम से दिया हुआ है और एलन ने मर्क्यूरियस प्रोटो आयोडेटस के नाम से दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों बहुत छोटी दवाई बट बहुत इंपॉर्टेंट दवाई, क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और ये था मर्क्यूरियस प्रोटो आयोडेटस, आपको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।